फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ आपका दोस्त सुबोध और आज हम जानेंगे कि साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस है। बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों कि लोग साइंस और टेक्नोलॉजी को मिक्स कर देते हैं, लेकिन इनमें बहुत से अंतर है। चलिए इन अंतरों को जानते हैं। साइंस जो होती है दोस्तों, एक बहुत प्योर चीज़ होती है। साइंस मतलब जानना, गेनिंग नॉलेज अबाउट द नेचर। ये प्रकृति है, इसके बारे में जानना, ये विज्ञान है। इसमें कि लॉस को जानना, उसके लॉस को बनाना, प्रिंसिपल्स बनाना, ये विज्ञान है। जैसे किसी चीज़ को हम जानते हैं, जैसे पत्ता होता है, पत्ता हरा क्यों होता है, ये हमें कलर दिखते हैं, ये कलर्स हमें क्यों दिखते हैं, आसमान का रंग नीला क्यों होता है, पेड़ में से पानी ऊपर कैसे जाता है, और इसी तरह के बहुत से जो रीजंस होते हैं, इन रीजंस को जानना, इन रीजंस को फाइंड आउट करना, ये दोस्तों साइंस होता है। जबकि टेक्नोलॉजी होता है वो इन लॉज, इन रीजंस को अप्लाई करना होता है, और वो लॉज और प्रिंसिपल्स अप्लाई करके एक नया प्रोडक्ट क्रिएट करना, ये टेक्नोलॉजी होता है। जैसे दोस्तों न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये जो है ये साइंस है। न्यूटन ने इसको डिस्कवर किया है, लेकिन इस लॉ को अप्लाई करके रॉकेट जाता है, तो रॉकेट जो हुई वो टेक्नोलॉजी हुई। दोस्तों दूसरी बहुत बड़ी चीज है कि साइंस जो होती है वो कभी भी हार्मफुल नहीं होती है। साइंस मतलब सिर्फ नॉलेज है, नॉलेज गेन करना है। आप जो नॉलेज गेन करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, उन्हें ऑब्जर्व करते हैं, उनसे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, उनमें कुछ साइंस के लॉज अप्लाई करके उनसे जो जानकारी मिलती है वो कोई हार्मफुल चीज़ नहीं है। जबकि हम टेक्नोलॉजी जब हम क्रिएट करते हैं, तो टेक्नोलॉजी में हम एक प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, वो प्रोडक्ट मे बी यूजफुल हो सकता है, और उसका अगर दुरुपयोग किया जाए तो वो हार्मफुल भी हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस है। मैं आपके लिए ऐसे ही साइंटिफिक वीडियोस लाते रहूँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपके मन में कोई सवाल होगा तो नीचे कमेंट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।